एक पल के लिए सोचिए कि आप फ्लाइट की यात्रा कर रहे हैं और आप जैसे प्लेन में सवार 100-200 से अधिक यात्रियों की सुरक्षा किसी पायलट के हाथ में नहीं बल्कि एक मशीन के हाथ में हो, यानी ऑटोमेटिक पायलट सिस्टम, या दूसरे शब्दों में कहे तो रोबो प्लेन्स। हाँ, वो दिन दूर नहीं जब हम और आप पायलटलेस प्लेन में यात्रा कर पाएंगे। सेल्फ ड्राइविंग कारों और ड्राइवरलेस मेट्रो के बाद जल्द ही लोगों को पायलटलेस प्लेन में यात्रा करने को मिल सकता है। ऐसा करना संभव दिखने लगा है। ड्राइवरलेस कारों, पॉड्स और मेट्रो के बाद अब पैसेंजर प्लेन को ऑटोनोमस करने की दिशा में कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे वक्त में जब एयर ट्रैफिक और एयर कार्गो सेवाओं की डिमांड दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री के लिए ह्यूमन पावर से आगे अब तकनीक बेस्ड ऑटोनोमस पायलट की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है। मतलब रोबो प्लेन्स जो न सिर्फ कार्गो के काम में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बल्कि पैसेंजर ट्रेन को भी चलाने में सक्षम हो सके। एविएशन कंसल्टेंसी कंपनी AIA और अवेसेंट के अनुमान के अनुसार दुनिया में सेल्फ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट का बाजार हर साल 25% की दर से आगे बढ़ेगा और साल 2040 तक $325 बिलियन तक पहुँच सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के बे एरिया में एक्स विंग और रिलायबल रोबोटिक्स, बोस्टन मर्नीन लैब जैसे कंपनियां इस सपने को सच करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।